हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी मैंड आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है एंगल ग्राइंडर। फ्रेंड्स, इस एंगल ग्राइंडर का ये बेनिफिट है कि इससे आप आसानी से किसी मेटल की कटिंग कर सकते हो, पीवीसी की कटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये स्पेशल मैंने बनाया है मैकेनिकों के लिए जो गाड़ियों का काम करते हैं या बाइक का काम करते हैं, जिनको नट बोल्ट वगैरह कटिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये ड्रिलर भी है, और ये ड्रिल होने के साथ साथ ये घर वालों के काम भी आएगा, घर पे छोटे मोटे जो काम करने होते हैं उसके काम भी आएगा। तो फ्रेंड्स, इस एंगल ग्राइंडर को हम बाइक की बैटरी पे चला सकते हैं, मारुति कार गाड़ी वगैरह की बैटरी पे चला सकते हैं, और तो और घर पे इन्वर्टर जो रखा होता है उसकी बैटरी पे भी चला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, अगर अच्छी लगे लाइक करें और उसे शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक कार की वाइपर मोटर लेंगे, शाफ्ट के सिरे को ग्राइंडर की सहायता से कट करेंगे, क्योंकि इसके शाफ्ट को आगे बुश की सपोर्ट होती है। अब वाइपर मोटर के दो पेचों में से एक पेच खोल लेंगे। फ्रेंड्स, पेच एक ही खोलना है, दूसरा नहीं खोलना है, क्योंकि नहीं तो वाइपर मोटर खुल जाएगी। तो ये लंबा पेच लगाना, में वाइपर मोटर को सॉकेट में फिट करते हैं, इसको लगाते हैं और ये वॉशर की कटिंग कर लेते हैं।
एक पेज टाइट होने के बाद अब दूसरा पेज हम फ्रेंड्स खोल देंगे। 8 mm होल इसलिए करा था कि उसमें से पेज आसानी से निकल आएगा और लंबा वाला पेज टाइट करेंगे। फ्रेंड्स वाइपर पोटर की तारों मैंने एक पीस जोड़ लिया और तीसरी तार जो बिल्कुल नहीं लगानी, जो सबसे लंबी है ना उसको नहीं आपने लगाना है, और बाकी जो दो तारें हैं वो लगानी है। जो सबसे लंबी वो स्पीड की होती है, स्लो स्पीड की, और हमें ये हाई स्पीड ग्राइंडर बनाना है। इसके बाद हम एक स्विच लेंगे 16 एम्पीयर का, साथ मेल फीमेल केबल अडाप्टर लेंगे। ये अच्छे वाले लेने हैं फ्रेंड्स, हैवी वाले। फ्रेंड स्विच के कनेक्शन कैसे करने हैं, सेंटर में इसका मेन है इन, और साइड में एक आउटर एक न्यूट्रल है जो दूसरी साइड पे है। यदि आप इंडिकेटर स्विच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी एक एक्सटेंशन कोड वाली वीडियो है, उसमें मैंने ये स्विच का कनेक्शन किया है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। वायर के फीमेल ज्वाइंट को हमने एल्बो में ग्लू गन की सहायता से फिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स मोटर की शाफ्ट के आगे एक अडाप्टर लगेगा, ये अडाप्टर हमने खुराद दिए से बनवाए, यानी कि जो खुराद का काम करने, इसमें 8 mm का लगभग होल है जो शाफ्ट पे लगेगा, प्लस 4 नट हैं। आप चाहे तो इसमें 2 नट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 4 लगाए ताकि मजबूती से कसाई। और ये मैंने जो थ्रेड आगे बनवाई है फ्रेंड्स, ये थ्रेड दो तरह की है फ्रेंड्स, एक तो जो थ्रेड है इसमें ड्रिल चक लगेगा, और दूसरी थ्रेड है उसमें मैंने ग्राइंडर के नेट के साइज़ की बनाई हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं अभी। और फ्रेंड्स ये तीसरी तार में हमने टेप कर दी है कटिंग करके, वहीं देखिए ये पहली थ्रेड हमने ड्रिल चक के साइज़ की बनाई है, ड्रिल चक चढ़ा के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस पे ये फिक्स हो गया। अब ये ड्रिल चक हम उतार रहे थे, और जो सेकंड थ्रेड है इस पे देखिए ये ग्राइंडर के जो नेट है ये आसानी से टाइट हो जाएंगे, ये देखिए पहले लग के, उसके बाद हमने ब्लेड लगाया और उसके बाद ये दूसरा नेट टाइट कर दिया। और इसके अंदर आप इस कटर ब्लेड के साथ साथ में ग्राइंडिंग ब्लेड भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड हम कपड़े सुखाने के लिए 2 क्लिप लेंगे और साथ में तार लेंगे, और साथ में ये हमारा जो मेल अडाप्टर है इसको इसमें फिक्स करेंगे। पहले हम इन क्लिपों को जो है रेती की सहायता से रगड़ेंगे, क्योंकि इस पे पेंट लगा हुआ है फ्रेंड्स। इसके जो सिरा है उसी को रगड़ना है, क्योंकि जहाँ पे हमने तार रगड़ी और वहाँ रगड़ना है, ताकि इसमें जो करंट बकायदा तरीके से आ सके। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये लगा लिए है तार, इसमें फिट कर लिए, साथ में टेप भी फिट कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी ये तैयार हो गई हैं ये क्लिपें जो हैं, और इस अब इस तार को हम इकट्ठी करके इस पाइप के अंदर भी रख सकते हैं और जहाँ मर्जी ग्राइंडर को ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।